हेलो गाइस, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दो वर्ड हमारे पास है, एक है नेटवर्क और एक है नेटवर्किंग। तो पहले इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि नेटवर्क हम किसे बोलेंगे, नेटवर्किंग हम किसे बोलेंगे, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। जैसे हम बात करें फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपके साथ कितने लोग कनेक्ट हैं, जैसे 4000 लोग कनेक्ट हैं, तो आपका नेटवर्क है कि इतने लोग आपके साथ फेसबुक के ऊपर कनेक्ट हैं, राइट। और जैसे हम बात करें व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ कितने लोग कनेक्ट हैं, भाई 100 लोग कनेक्ट हैं, तो जस्ट ए नंबर, कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हैं, तो वही तो नेटवर्क है, राइट। और नेटवर्किंग क्या है कि आप किसी से भी बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन से आप बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वही नेटवर्किंग है। कि जैसे फेसबुक के ऊपर हमारे साथ 4000 लोग कनेक्ट थे, तो हमारे नेटवर्क है जस्ट ए नंबर, कितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो वो नेटवर्क है कि भाई इतने लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। नेटवर्किंग क्या है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से बात करना चाहता है, जैसे आपके साथ 4000 लोग कनेक्ट हैं, तो उन 4000 लोगों में से आप किसी भी पर्सन से बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो तो वही तो नेटवर्किंग है, राइट। तो हम बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट, वो नेटवर्क हो गया। और बात करें हम नेटवर्किंग की, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही करेक्ट होगा, है ना, या ऐसे ही कोई किसी भी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि भाई वही करेक्ट होगा। आप 10 डेफिनेशन को पढ़ो, फिर अपने अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करो, वो उससे भी ज़्यादा बेटर होगा, राइट। रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का कि भाई आपने पढ़ लिया व्हाट इज़ नेटवर्क, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेज, व्हाट इज़ नेटवर्क, इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेज कनेक्टेड विद, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। बस आपको समझना है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है। टेक्निकल वे में हम बात करें कि हमारे पास, हमारे ऑफिस के अंदर 100 सिस्टम्स हैं, राइट, तो हमारा नेटवर्क, भाई इतने सिस्टम्स हमारे पास हैं। और नेटवर्किंग क्या है, किसी भी सिस्टम से आप किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी फाइल शेयर करना चाहते हैं, कोई भी डेटा रिसीव करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो वही तो नेटवर्किंग है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे सिस्टम से बात कर सकता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो अब बात करें नेटवर्किंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कि हम नेटवर्किंग क्यों पढ़ें, राइट। तो हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ आप करने जाते हो, जैसे हम बात करें कि आप फॉर्म भरने जाते हो, तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास इंटरनेट चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हो तो आपका इंटरनेट चलना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तभी तो आपके पास पेज ओपन होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपका पेज ओपन नहीं होने वाला। और गूगल काम कैसे कर रहा है, जैसे आपने सर्च किया व्हाट इज़ नेटवर्किंग तो पेज आपके पास ओपन हो रहा है, तो पीछे क्या एल्गोरिथम्स वहाँ पर काम कर रहे हैं कि आपके सामने पेज ओपन हो जाता है, तो यही तो नेटवर्किंग है। जैसे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर कॉल करना चाहते हैं, तो हमने कॉल लगाया, सामने वाले के पास हमारा कॉल लग जाता है और हम बात कर लेते हैं, राइट। तो हमारा कॉल लगा कैसे, भाई सामने एक नॉर्मल सी हम बात करें कि भाई सामने वाले का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था और हमने कॉल किया, कॉल लग गया, मैंने बात कर लिया, तो एटलीस्ट वो कनेक्शन बन कैसे रहा है। ऐसे थोड़ा ना कि प्रकृति की देन है कि हमने कॉल लगाया सामने वाले के पास हमारा कॉल लग गया, पीछे कुछ टेक्नोलॉजीज काम कर रही होंगी, बैकएंड के अंदर प्रोसेस चल रहा होगा, है ना, नेटवर्क इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे। भाई आपको पता है हर एक पर्सन इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, जैसे हम बात करें आपने बहुत अच्छे से अच्छा मोबाइल फ़ोन ले लिया लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आज के टाइम में वो डब्बा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो नेटवर्किंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो हर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, तो नेटवर्किंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम बात करें हम सिस्को टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो सिस्को टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सिस्को टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और भी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे हम बात करें नेटवर्किंग को जो डिवाइसेस बनाती हैं वो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मोबाइल फोन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ऐसे ही नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, पालो आल्टो, चेक पॉइंट, जूनिपर, अरूबा, हिताची, फोर्टिगेट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। हर एक कंपनी का उतना मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग के डिवाइसेज बनाती हैं। लेकिन जो ब्रांड नेम हम बात करें, जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर हम ब्रांड नेम हम बात करें कि आईफोन आता है, ऐसे ही नेटवर्किंग के डिवाइसेज के अंदर एक ब्रांड नेम की हम बात करें वो सिस्को आता है, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेटवर्क को डील करता है। इस वजह से हम नेटवर्किंग सिस्को की टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर जगह सबसे ज़्यादा नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो सिस्को की चल रही है। तो भाई सिस्को टेक्नोलॉजी चल रही है, सिस्को के डिवाइसेज हर एक कंपनी यूज़ कर रही है, तो उन डिवाइसेज को कोई मैनेज भी तो करेगा। ऐसे थोड़ा ना कि आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है, तो आप नेटवर्किंग को आप बहुत अच्छे से समझते हो लेकिन सिस्को टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, सिस्को डिवाइसेज के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए सिस्को ने अपना एक एजुकेशन सिस्टम बना रखा है, सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सीसीएनपी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, सीसीआई, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो सिस्को करवाता है। इसी के साथ हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं।
क्योंकि हर एक कंपनी सिस्को डिवाइसेज को यूज़ कर रही है, सिस्को टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, तो आपको सिस्को टेक्नोलॉजी को जानना होगा तभी तो आप काम कर सकते हो। तो बैकएंड के अंदर इतने सारे नेटवर्क इंजीनियर्स काम करते हैं भाई, इंटरनेट हर एक पर्सन इंटरनेट यूज़ करता है, तो इंटरनेट को पीछे ऑपरेट भी तो कर रहे होंगे लोग जिन्हें हम नेटवर्क इंजीनियर्स बोलते हैं। तो एटलीस्ट इसके लिए आपको सिस्को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। और सिस्को CCNA एक सर्टिफिकेशन है जो एंट्री गेट है नेटवर्किंग के लिए, जो बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नेटवर्किंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हालांकि इस वीडियो के अंदर इतना मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया है, धीरे धीरे वीडियोज़ के अंदर हम कवर करते रहेंगे, राइट। तो आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो इस इन वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा। इस सीरीज़ के अंदर डे बाई डे आपको नेटवर्किंग रिगार्डिंग वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग क्या है, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि एक नेटवर्क हम किसे बोलेंगे, नेटवर्किंग क्या है, राइट। तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ नेटवर्क, ये नेटवर्क की डेफिनेशन होगी, आपने रट लिया इट इज़ अ कनेक्शन, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को समझना है कि भाई नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, और भी नेटवर्क से टाइप स्टेप बाई स्टेप हम वीडियोज़ के अंदर कवर करते रहेंगे। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।